हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे जो फ्लैश लाइट होता है वो यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है वो नहीं जल रहा है, या तो फिर आप लोग यहाँ पे कैमरा में जब फ़ोटो क्लिक करते हैं नाइट के टाइम तो वहाँ पे आपके फ़ोन में जो लाइट है वो यहाँ पे नहीं जलता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपने फ़ोन को एक बार रीसेट कर लेना है। जब आप लोग यहाँ पे रीसेट करते हैं ना तो बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रीसेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को अपडेट को चेक करना है। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अब यहाँ पे ये चेक करना है कि कहीं अगर आपके फ़ोन के कैमरे में अगर फिज़िकल डैमेज है, यहाँ पे टूटा हुआ है, अगर आपके कैमरे के पास कोई क्रैक वगैरह है तो हो सकता है कि ये जो है हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में जो है आपके फ़ोन में जो कैमरा है वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ओके। और अगर आपके फ़ोन में जो है कोई इशू नहीं आया है, कैमरा में कोई क्रैक वगैरह नहीं है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ पे ना आपको जो है अपने फ़ोन में जो सेटिंग एप्लीकेशन होता है उसको लॉन्ग प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में जाना है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज में जाना है और इसका जो डेटा है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर डेटा या क्लियर कैचे कर देना है। तो ऐसा करने से आपके फ़ोन में जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे रिसेट हो जाएगी। अब हम गाइज़ यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप लोग अपने फ़ोन में फ़ोटो वगैरह लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपके फ़ोन में जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे नहीं जलता है। तब इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद सिस्टम ऐप सेटिंग में आना है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन आता है कैमरा का, तो आप लोग कैमरा में क्लिक करिए। कैमरा में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में कैमरा में जो भी सेटिंग रहेगी वो रीसेट हो जाएगी। तो हो सकता है कि अगर आपने कैमरा में कोई सेटिंग वगैरह करी हो जिसके वजह से आपके फ़ोन में लाइट वगैरह यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो वो जो है पूरा रीसेट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में आपको अपने फ़ोन के हार्डवेयर को देखना है, मतलब कि आपके फ़ोन में जो कैमरा है वहाँ पे अगर हार्डवेयर में ही कोई कैमरा के हार्डवेयर में ही कोई इशू रहेगा तो गाइस ऐसे में वो जो है आपको जो है मोबाइल शॉप पे ले जाना होगा, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो गाइस ये जो सारे तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं, तो आप लोग यहाँ पर उसको अपने फ़ोन में अप्लाई करके देखिए, तो उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।